बारहवीं सदी भारत की भूमि पर अनेक महायोद्धाओं ने जन्म लिया। मेरी मिट्टी का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, उसके सीने में पर्वतों सा साहस और भुजाओं में समय को मोड़ देने की ताकत। किस तरह का व्यवहार किया गया था पृथ्वीराज के साथ बंदी बनाकर, आंखें नीचे ना करने पर घोरी ने पृथ्वीराज को क्या सजा दी थी, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज महाराज के ऊपर बन रही बॉलीवुड मूवी पृथ्वीराज के बारे में और जानेंगे कि कैसे पृथ्वीराज की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से उन्हें कैसे नुकसान हुआ। तो दोस्तों बता दूं कि पृथ्वीराज को युद्ध में हराकर महमूद घोरी उन्हें बंदी बनाकर घोर अफगानिस्तान ले गए थे, जहां पृथ्वीराज को एक मुजरिम की तरह बांधकर घसीटकर ले जाया गया और भरी सभा में उनका अपमान किया गया। दोस्तों बता दूं कि पृथ्वीराज को बहुत मजबूर किया गया और उनकी बेइज्जती भी की गई और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया ताकि वो अपने धर्म को बदलकर गैंगस्टर कल्ट इस्लाम रख ले, लेकिन पृथ्वीराज ने ऐसा नहीं किया। याद दिला दूं दोस्तों कि पृथ्वीराज को जब महमूद घोरी के सामने पेश किया गया तो पृथ्वीराज सीधा घोरी की आंखों में देख रहे थे, ना कि घोरी जैसे डरपोक बनकर माफी की भीख मांगी। दोस्तों बता दूं कि पृथ्वीराज एक निडर राजा थे और उन्होंने एक बार भी घोरी से माफी नहीं मांगी और लगातार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। इससे गुस्से में आकर घोरी ने पृथ्वीराज को अपनी आंखें नीचे करने के लिए कहा तो पृथ्वीराज ने उसे याद दिलाया कि किस तरह पृथ्वीराज ने घोरी को बंदी बनाकर उसे जिंदा छोड़कर माफ कर दिया था। दोस्तों बता दूं कि पृथ्वीराज ने घोरी को ये भी कहा था कि एक हिंदू राजपूत की आंखें उसकी मौत के सिवाय और कहीं नहीं झुक सकती। इसी चीज से गुस्से में आकर घोरी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पृथ्वीराज की आंखों में एक लाल गरम जलती रोड से उनकी आंखों को जला दे। ऐसा करने के बाद भी घोरी हर रोज पृथ्वीराज को अपनी सभा में बुलाकर उनको नीचा दिखाता था। सभी मंत्री पृथ्वीराज के हिंदू रिवाजों का मजाक बनाते और यहाँ तक कि पृथ्वीराज के आइडल जिनकी वो पूजा करते थे माँ भवानी और भगवान शिव, उनके नाम को भी बहुत अपमान किया गया था। उन दिनों पृथ्वीराज को ज्वाइन किया उनके पिछले बायोग्राफर ने जिनका नाम था चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज की जिंदगी के ऊपर पृथ्वीराज रसोल लिखी है जिसमें पृथ्वीराज की जिंदगी पर कई संगीत लिखे गए हैं। तो सो बता दूं कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज दोनों ही एक मौके की तलाश में थे ताकि वो अपने साथ हुई बदसलूकी का बदला ले सके। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार मत बताना भूलिएगा इस मूवी के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनका और सुनने का कुछ अनसुना। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। तो दोस्तों हमारे आज के राइटर हैं अभिषेक मिकी।